आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, अस्माकं व्याकरणं पठामः। और व्याकरण में हम संधि के बारे में चर्चा कर रहे थे बच्चों, और संधि में हमने स्वर संधि के में चार भाग पढ़ लिए हैं बच्चों। अब तक कितने भाग पढ़ लिए हैं? चार भाग। पहले भाग में हमने दीर्घ संधि की चर्चा की, दूसरे भाग में हमने अब तक कर ली गुण संधि की, और तीसरे भाग में हमने वृद्धि संधि की कर ली बच्चों अब तक चर्चा, और चौथे भाग में हमने वृद्धि का जो पार्ट टू था उसकी भी हमने चर्चा कर ली है। आइए पांचवा भाग हम देखते हैं, यण संधि को हम देखेंगे। बहुत प्यारी संधि है बच्चों, बार बार इसके उदाहरण आते हैं। यण संधि बहुत महत्वपूर्ण जो संधि है, बहुत महत्वपूर्ण संधि है ये बच्चों आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से। आइए देखते हैं, इको यणची इसका पहला सूत्र है। इको यणची यानी इकह यण प्लस अची, इसका विग्रह यदि हम देखेंगे इकह यण प्लस अची, और इकह स्थाने यण शात अची संहितायाम विषय, यानी समझो इस क्या कह रहा है सूत्र कि इक्के स्थान पर क्या हो जाता है, यण हो जाता है, क्योंकि प्लस के बाद में क्या हो, अच हो। इक्के बाद में कोई अच हो तो, यानी मैं समझाने की कोशिश करूं तो इक का क्या हो जाता है, यण हो जाता है, और इसके बाद में क्या हो, अच हो। समझने की कोशिश ये करो, इक में क्या 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 आते हैं, ई उरी और ली, और इसका यण हो जाता है यह वह रल हो जाता है बच्चों। तो इक के स्थान पर यण हो जाता है अच परे संहिता के विषय में, और अर्थात यदि इक के बाद में असमान स्वर हो, यानी असमान स्वर हो, इक के स्थान पर क्या हो जाता है, यण हो जाता है। और इक में कौन कौन से वर्ण आ गए, ई ई आ गया, उ आ गया, री री आ गया, री यानी इक ई ऊ री ली, यानी चार वर्ण हो गए बच्चों, और उसका क्या करना है हमको, यण करना है। ई का क्या हो गया, ये दोनों, ऊ का क्या हो गया, वे, री का क्या हो गया, रे, री का क्या हो गया, ल। तो इस प्रकार से ई ऊ री ली का क्रमशः य व र ल आदेश हो जाता है प्यारे बच्चों। आइए उसी बात को हम दूसरे शब्दों में भी देख लेते हैं। इक ई ऊ री ली के स्थान पर क्रमशः यण य व र ल आदेश हो जाता है असमान स्वर के रहने पर। ई का य, ऊ का व, री का र, ली का ल, असमान स्वर के आगे रहने पर। आइए देखते हैं इसके उदाहरणों को। ई का क्या करना है हमको, ये करना है, तो अ भ का में ई मिला हुआ है, मिला हुआ है ना बच्चों, और उदय, समझने की कोशिश करो, यानी अ भ ई का क्या क्या हो गया, यह हो गया, क्या हो गया, यह हो गया, और रूप क्या, और उदय, और रूप क्या बनेगा, अभ्युदय, अभ्युदय। उसी प्रकार से गौरी प्लस आत्मजह क्या बनेगा, गौरी गौर, और ई का क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये, और आत्मजह क्या बनेगा, गौर्यात्मजह। उसी प्रकार से प्रति प्लस एकम का प्रत्येकम, उसी प्रकार से यदि प्लस अपि का यद्यपि बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, उसी प्रकार से दधि प्लस आन्य का दध्यानयः, दधि आन्य यानी दधि लाओ। तो बच्चों अभ्युदय, गौर्यात्मज, प्रत्येकम, यद्यपि, दध्यानयः, तो इनको एक साथ देख लेते हैं। अभी प्लस उदय का अभ्युदयः, गौरी प्लस आत्मज का गौर्यात्मज, प्रत्येकम, यद्यपि, दध्यानयः। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। गति प्लस ऊर्जा का क्या बनेगा, गत्युर्जा, क्या बनेगा, गत्युर्जा। उसी प्रकार से मही प्लस आरूढ़ का महियारूढ़, उसी प्रकार से नद्यु, देखो ये ऐसे हो जाएगा, नद्युद्गम। उसी प्रकार से द और ये मिलकर ध्येय हो जाता नहीं, ऐसे देखो इसलिए हुआ है। सुधि प्लस उपास्य, शुद्ध्युपास्य, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये शुद्ध्युपास्य, और इसके दो रूप बनते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको उदाहरण रूप याद रखना है शुद्ध्युपास्य। तो और इति प्लस आदेय का क्या बनेगा, इत्यादय। आइए आगे देखते हैं, इसको एक साथ देख लेते हैं। गति प्लस ऊर्जा, गत्युर्जा,
उसी प्रकार से मही प्लस आरूढ़ है मह्यारूढ़ है, नदी प्लस उद्गम नद्युद्गम, शुद्धि प्लस उपास्य शुद्ध्युपास्य, और इसका दूसरा रूप भी यह है याद रखना है शुद्ध्युपास्य इति प्लस आदय इत्यादय। इस प्रकार से आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, ही प्लस अयम, ही प्लस अयम, तो ही में ऐसे हो गया, यह पूरा हो गया। उसी प्रकार से यानी जहां यण करते हैं ना, यण करने से पूर्व का वर्ण क्या होता है, हमेशा आधा आता है यण संधि में, देख लेना आप। अभ्युदय देखो, अभी प्लस उदय अभ्युदय, उसी प्रकार से स्त्री प्लस उत्सव स्त्र, ये हो गया ना आधा, ई का यह हो गया और ऊ मिल गया स्त्री उत्सव, उसी प्रकार से स्मृत्यु स्मृत्या देश स्मृत्यादेश, तो इस प्रकार से बच्चों इनको जाना। आइए आगे देखते हैं, इसको एक साथ है कि हयम अभ्युदय स्त्रुत्सव स्मृत्यादेश। आइए आगे देख लेते हैं, मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि को हम देखते हैं बच्चों, तो ऊ और ऊ के का क्या हो जाता है, वह हो जाता है, यानी प्लस के पहले यहां क्या है ऊ है, प्लस के पहले क्या है ऊ है, और प्लस के बाद में क्या है ए है, और हमारा जो सूत्र कह रहा है ई को यणची यानी ई ऊ रील री के बाद में कोई स्वर हो तो ई का यह ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, वह ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। जैसे मधु ऊ का क्या कर दिया, वह कर दिया और अरी बन गया, उसी प्रकार से बच्चों रूप क्या बनेगा, मध्वरि, और इसका दूसरा भी रूप बनता है मैध्वरि, यानी ये दोनों रूप याद रखने हैं बच्चों, इसका बहुत से सूत्र लगते हैं उन आपको, तो केवल रूप का ध्यान रखना है बच्चों। त्व और तू प्लस इदम का क्या बनेगा, तय, ऊ का क्या हो गया, वह, और इदम मिला लो अब क्या बनेगा, त्वे त्विदम, उसी प्रकार से अनु प्लस आया अन्वयः क्या बनेगा, अन्वयः, उसी प्रकार से सु प्लस आगतम का स्वागतम क्या होगा, स्वागतम। आइए और पठ तु प्लस इदम का पैठ, त उ का व पठत्विदम, एक साथ देख लेते हैं, मध्वरी और इसका दूसरा विकल्प से भी रूप बनता है मध्वरी, तु प्लस इदम त्विदम, अनु प्लस अयः अन्वयः, सु प्लस आगतम स्वागतम, पठतु इदम पठत्विदम, तो इस प्रकार से। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, धातु प्लस आदेशः क्या बनेगा, धात्वादेशः क्या बनेगा, धात्वादेशः, और तन्वंगी क्या बनेगा, तन्वंगी, लघु प्लस आदेश का लघ्वादेशः, उसी प्रकार से गुरु आज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा का गुरुआज्ञा, चार वंगी, चारु प्लस अंगी का चार वंगी, एक साथ देख लेते हैं, धातु प्लस आदेश का धात्वादेश, तनु प्लस अंगी का तनवंगी, और लघु प्लस आदेश का लघ्वादेश, गुरु प्लस आज्ञा का गुरुआज्ञा, चारु प्लस अंगी का चारवंगी। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, यवागु प्लस आशा, यवागु की आशा तो क्या बनेगा, यवा गय आधा हो गया, ऊ का क्या हो गया, वह हो गया, वह, और वह में आ मिला तो क्या बना, यवाग्वाशा, और इसका क्या बनेगा, वद्भाषा, और इसका क्या बनेगा, वद्वागमन, वद्वागमनम, और इसका क्या बनेगा, देखो ये श्री ने, और ऊ का व्यय हो गया श्रृणविदम। तो बच्चों आइए इनको एक साथ देख लेते हैं, यवागवाशा यवागवाशा, वधु प्लस आशा वद्वाशा, वधु प्लस आगमनम वद्वागमनम, और श्रृणु प्लस इदम श्रृणविदम, तो इस प्रकार से बच्चों। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, री और री मिलकर, री या री के का क्या हो जाता है, र हो जाता है बच्चों, देखो यानी री के बाद में क्या हो, कोई अच हो स्वर अच, तो क्या हो जाता है उसका, र हो जाता है, यही समझने की कोशिश है बच्चों। तो पी त री में क्या है, और ये री है, और री के बाद में ई है, और इस री का क्या हो गया, र हो गया प्यारे बच्चों, और इस री का क्या हो गया, र हो गया, आगे इच्छा है अब मिला लो,
तय और रय मिलकर क्या हो जाता है, त्रय, पितृ। तो इसमें ई मिला, पितृच्छा। उसी प्रकार से मातृ प्लस उत्सव है मातृत्सव, गंत्री प्लस एद गंत्रेद, यात्री प्लस ओदनम क्या बनेगा, यात्रोदन। उसी प्रकार से धात्री प्लस अंश है धात्रंश। आइए बच्चों इनको एक साथ देख लेते हैं, पितृ प्लस इच्छा का क्या बनेगा, पितृच्छा। मातृ प्लस उत्सव का क्या बनेगा, मातृत्सव। गंत्री प्लस एद गंत्रेद, यात्री प्लस ओदन यात्रोदन, और धात्री प्लस अंशय का क्या बनेगा, धात्रंश। एक साथ आइए पितृ प्लस अंशय को देखते हैं, पी और त अरि का क्या हो गया, र प्लस अंश क्या बनेगा, पितृंश। उसी प्रकार से मातृंक कह पित्राज्ञा, उसी प्रकार से पित्राधीनम पित्राधीनम। तो आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, पितृ प्लस अंश पितृंश, मातृ प्लस अंक मातृंक, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ प्लस अधीनम पित्राधीनम। आइए लय वाले देखते हैं, यानी ई ऊ री का हमने देख लिया, अब री का क्या हो जाता है, लय हो जाता है। री का क्या हो जाता है, लय, जब कोई स्वर हो पास यानी री के बाद में, तो री का क्या कर दिया, लय कर दिया, और आकृति क्या बनेगा, लाकृति ही, क्या बनेगा, लाकृति ही। उसी प्रकार से लय हो गया, और लय में आई मिला तो लैश्वर्यम, लकार है लि प्लस अकार है लकार है, लाधारितम, ल में आ मिला तो लाधारित हो गया लाधारितम। उसी प्रकार से बच्चों गस प्लस लि तो गस लि का क्या हो गया, ल, ल में आ मिला तो लादेश है गस लादेश है, तो क्या बना, गस लादेश है। आइए तो लि प्लस आकृति लाकृति हो गया, लि प्लस ऐश्वर्यम लैश्वर्यम हो गया, और लि प्लस अकार है लकार हो गया, लि प्लस आधारितम लाधारितम हो गया, गस लि प्लस आदेश है गसलादेश हो गया। इस प्रकार से बच्चों आगे देखते हैं, लि प्लस अनुबंध है तो क्या बनेगा, लनुबंध लनुबंध। बस कुछ नहीं करना, लि का लय करना है, और लय अर्ध लय होगा, और उसमें ए मिला तो लय पूरा हो गया, तो क्या इसका लि प्लस आदेश का क्या बनेगा, लादेश। उसी प्रकार से गमलादेश, लंग लाधार है। तो इस प्रकार से बच्चों लि प्लस अनुबंध है लनुबंध है, लि प्लस आदेश है लादेश है, गम लि प्लस आदेश है गमलादेश है, लि प्लस अंग लंग है, लि प्लस आधार है लाधार है। आइए बच्चों इसको एक साथ देख लेते हैं, लनुबंध है और लि प्लस आदेश का लादेश हो गया, गम लि प्लस आदेश है गमलादेश हो गया, लि प्लस अंग का लंग हो गया, लि प्लस आधार का लाधार हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी ये यण संधि पूर्ण होती है। यण संधि में आपको कुछ नहीं करना, एक सूत्र है इको यणची, यानी ई ऊ री लि के बाद में आपको कुछ नहीं करना, ई ऊ री लि के बाद में क्या हो, कोई स्वर हो, समझने की बात यह है, कोई स्वर हो तो ई का क्या कर देंगे हम, ये कर देंगे, ऊ का क्या कर देंगे, वह कर देंगे, री का क्या कर देंगे, रे कर देंगे, री का क्या कर देंगे, ले कर देंगे, बस और कुछ नहीं है, यण संधि कंप्लीट हो गई है। और लेकिन ये ध्यान रखना, री में तय और रे मिलकर क्या होता है, त्रय होता है बच्चों, त्रय होता है, तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। तो कुछ नहीं है कि इको यणची इक स्थाने यण श्यादची, यानी ई ऊ री लि के स्थान पर यण हो जाता है, ये वह रह ल, यानी बाद में कोई स्वर हो, इक के बाद में कोई स्वर हो तो ई का ये ऊ का वह री का रे लि का ल हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी ये यण संधि यहीं पर पूर्ण होती है, और ये आशा करता हूं कि ये अच्छे से आपके समझ में आई होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद, अगली संधि के साथ में हम आपसे पुनः मिलते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।